हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपको नाइटी की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने 3 मीटर कपड़ा ले लिया है और अब हम इसकी सबसे पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी मेज़रमेंट कुछ इस टाइप से है फ्रेंड्स। लंबाई है इसकी 54 इंच, बाजू है इसके 4.5 इंच और गला है इसका 6 इंच। फ्रेंड्स, हमने कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर लिया है। बाहर वाली साइड हमारी उल्टी है और अंदर वाली साइड हमारी सुलटी है। अब हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है हमारी 54 इंच। तो हम 54 इंच में निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब जो हमने 54 पे निशान लगाया था उसमें हम 2 इंच और प्लस कर लेंगे। ये 2 इंच हम इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा कुछ सिलाई में जाएगा और कुछ हमारा नीचे से फोल्ड करने में चले जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमने इस साइड से भी निशान लगा लिए हैं और अब हम इन दोनों निशानों को पकड़ लेंगे और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस वाली साइड से 4 इंच पे ऊपर की साइड से निशान लगाएंगे। और इसी निशान से नीचे की तरफ 8 इंच पे निशान लगाएंगे मुड्ढे के लिए। और इसी वाले निशान से 4 इंच पे फिर से निशान लगाएंगे। और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, हमें गला चाहिए 6 इंच, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, 8 इंच। ये 2 इंच हम इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि हम पट्टी वाला गला बना रहे हैं। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे, ये वाला और ये वाला। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे से 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे से भी 2 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और अब इस तरफ से गोलाई दे देंगे। अब हम इन निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब ये जो जॉइंट है उसे हम काट लेंगे। और कपड़े को पलट लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट लेंगे। फ्रेंड्स, अब जो हमारा कटिंग करने के बाद ऊपर से कपड़ा बचा था उससे हम गले की पट्टियाँ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेंगे और गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई थी हमारी 6 इंच, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे ऊपर की साइड से। तो चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच और नीचे की साइड से भी हम 2.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और अंदर की साइड से गोलाई दे देंगे। अब हमें 2 इंच की पट्टी चाहिए, तो हम बाहर की साइड से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हमने जो ये निशान लगाए हैं उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे।
और ऊपर के साइड से जॉइंट्स को काट लेंगे। तो ये हमारी पट्टियाँ निकल चुकी हैं, और ये हमारी टोटल 4 पट्टियाँ निकल चुकी हैं। देखिए, 2 ये वाली और 2 ये वाली। फ्रेंड्स, अब हम बचे हुए कपड़े से बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा सिंगल फोल्ड है और अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है हमारी 4.5 इंच, और इस साइड से भी हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और अब हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और इस साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और बाजू की गोलाई दे देंगे, और इन निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे, और इस साइड से तिरछा कट कर लेंगे। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये हमारी नाइटी की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम सिलाई की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गले की 2 पट्टियाँ ले लेंगे, और इनकी अंदर वाली साइड हमने सुलटी रखी हुई है, और अब हम इसके साइड से गोलाई में एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके साइड से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इसको उल्टी तरफ पलट लेते हैं और किनारे से सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हमने गले की पट्टी तैयार कर ली है, और इसी तरीके से हमने दूसरी वाली गले की पट्टी भी तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, अब हम नाइटी के दोनों पल्लों को लेंगे और ऊपर की साइड से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहीं पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम एक पल्ला लेंगे और इसे खोल लेंगे, और इस वाले कट से इस वाले कट तक प्लेट्स लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से। अब हम इस पल्ले के ऊपर गले की पट्टी को रख लेंगे कुछ इस तरीके से, और साइड से एक सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो पीछे से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरीके से दबा लेंगे और इस तरफ से सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने पहला वाला पल्ला रेडी कर लिया है, और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पल्ले को भी रेडी कर लिया है, सेम टू सेम। फ्रेंड्स, अब हम ऊपर वाले पल्ले को पलट लेंगे और दोनों पल्लों की सुलटी वाली साइड्स को अंदर रख लेंगे और कंधे से जोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से।
फ्रेंड्स, अब हम बाजू को नाइटी से जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम बाजू के बीचों बीच ऊपर की साइड से कट लगा लेंगे। अब हम बाजू को उल्टी तरफ रखेंगे और कट से सिलाई को मैच कर लेंगे। और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने बाजू को जोड़ लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले बाजू को भी जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने दूसरे वाले बाजू को भी जोड़ लिया है। फ्रेंड्स, अब हम नाइटी के साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें कोई फिटिंग का नाप नहीं होता है क्योंकि हमारी नाइटी ढीली ही होती है। फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम नाइटी को नीचे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी नाइटी बन के रेडी हो चुकी है और ये रहा उसका फाइनल लुक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।